तो सीन कुछ यूं है कि मुझे एक दोस्त की कॉल आई, उसने बोला यार असद कोई चंगे ये बूट दे। खैर भाई ने ऑर्डर किया और हम हाजिर। मैंने कॉल की कामरान और उसको बोला कि शूज़ खरीदने जाना है। कामरान ने बोला चल काका मसला ही कोई नहीं, हूँ ही चल रहे। अभी हम ये प्लान कर ही रहे थे कि मुझे उसामा की कॉल आई, असद भाई किथे हो? मैंने बोला भाई शॉपिंग करने जा रहे हैं। उसामा बोला सर मैं हूँ ही आया, मैनू भी ला जाओ नाल। और इस तरह एक जूता खरीदने के लिए हम तीन लोग तैयार हो गए। दिन के बारे में हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। हमें कुछ खुफिया जरायों से पता चला कि हमारा एक दूर का दोस्त जो कि आज ही पाकिस्तान जा रहा है। ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना दोस्त को जूते 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान पहुँचा दिए जाए, यानी कि फुल फास्ट सर्विस। लेकिन यहाँ पर एक मसला था। आपको कोई पैसा तो नहीं देना अभी हमें? वो मसला ये कि जो दोस्त पाकिस्तान जा रहा है उसकी फ्लाइट ठीक 5 घंटे बाद है। अब हमें इन 5 घंटों के अंदर मॉल शॉर्टलिस्ट करना है, शूज शॉर्टलिस्ट करने, ब्लॉग भी बनाना है और जूते लाकर अपने दोस्त को हैंडओवर भी करना है, यानी कि बिला वजह की टेंशन। लेकिन इस टेंशन का एक फ़ायदा तो था, वो ये कि दोस्त की फरमाइश के 24 घंटे के अंदर अंदर सामान उसके पास पाकिस्तानी। मॉल बताइए कौन से मॉल में? मेरा ख्याल है उधर जाना है, आउटलेट मॉल जाना है, वहाँ से नाइकी या रिबॉक के कुछ जूते लेने। आपकी तो शक्ल हमने दिखाई नहीं है। गाड़ी का सफर छोड़कर हम सीधा मॉल के अंदर घुसते हैं। मॉल में घुसने का हमने खुफिया रास्ता ढूंढ लिया था। इसको प्रेस करें। चक्की चीज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर संडे मार्च अप्रैल मई जुलाई दिसंबर। भाई 30% किड्स आउटलेट पे सेल लगी हुई है। अभी उसके किड्स हुए हैं। यार ये शो अच्छे लग रहे हैं। अभी एक असद भाई के दोस्त हैं, उनके लिए हम शूज़ लेने आए हैं, तो लेकिन अगर हमें अपने लिए भी कुछ पसंद आया तो पहले हम देखेंगे कार्ड में लिमिट कितनी है और फिर हम ले। हाँ ये तो है, मुझे अच्छे लगे। लेकिन उन्हें बांधे क्यों हैं ये साथ? ये कोई उठा के ना ले तो। भाई ये 41 है, 7.5 इज 41। ये देखें ये वाला शूज भी अच्छा है। आ ले ला सड़का बना ले। ये इसकी प्राइस चेक करें। ये एक नया शूज़ है, ये इसमें ब्लूटूथ भी है। क्या कहते हैं आप? इसके मसला ये है पाकिस्तान में अंडर आर्मर और दूसरा कौन सा है, न्यू बैलेंस और एक और था जी, वो पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। ये सारे के सारे जो है ना लोग समझते जाली बूट है, उससे सिर्फ ऐप पसंद करते हैं, ऐप पसंद करते हैं कि तरह की तरह है। उसे इतने पाकिस्तान तुम भेज दोगे ना, सबसे पहले अच्छे सामा को भी कुछ पसंद आए हैं जी। सामा भाई मुझे अंडे वाला बर्गर ले लूँ, नया पीस फ्रेश पीस ले लेना। तो मिलेगा मिलेगा शूज़ तो पसंद नहीं आए, अभी किसी और शॉप पे जाएंगे। जो जूते पसंद आ रहे थे उनकी प्राइस पसंद नहीं आ रही, मुझे एक पैंट कोट चाहिए। और जिनकी प्राइस पसंद आ रही थी वो जूते पसंद नहीं आ रहे थे, और जिनकी दोनों चीज़ें पसंद आ गईं उसमें हमें साइज नहीं मिला। यहाँ कामरान ने बोला कि स्केचेस ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल में भी स्केचेस सही रहेगा, वो भी उसी से ज़्यादा है। स्केचेस की रनिंग वाली है?
क्यों उसने हालात से भागना है? हालात से भागना चाह रहा हूँ। उसके दोस्त ने जो शूज मंगवाए उसने बोला यार मुझे भागने वाले चाहिए, पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है, तो हालात से भागना उसने। अभी हम स्केचर्स की शॉप के अंदर एंटर हो गए हैं। ये देखो भाई, ये देखे रनिंग इसमें बहुत अच्छी होगी भाई। ये भी अच्छे शूज हैं, ये देखो रनिंग ही है सारे रनिंग। इसमें ब्लैक है, ब्लैक ये किस लिए? सेम सोल है, शूज फाइनली पसंद आए, अच्छे शूज हैं, लेकिन इन्हें शूज नहीं आए जिन्हें जिन्हें काला कर दिया पाकिस्तान। हेलो बड़ो अरुण भाई, सू सिस कर अरुण भाई, वीडियो भी डालो अरुण भाई, हेलो बोल दे। हेलो अरुण भाई, ये बहुत फैन फॉलोइंग, मैं जीरो फैन हाँ ये। इन्हें चैनल बनाना शुरू किया लेकिन लाख रुपये आधार फाड़ लिया, पैसे नहीं ला लिया। नाइकी चैनल बड़े अच्छे लगे आपकी रनिंग मकसद के बूट है, उस दोस्त को पसंद नहीं आ रहे लोग। देखो बदीद हो गए दोस्त, 699 699 की प्राइस है। रनिंग बात है, रनिंग बात है। दुनिया में जो पहला बंदा भागा था उसने ये शूज पहने हुए थे। जब रनिंग इजाद होती है, रनिंग भी कुछ चीज़ होती है, तो तब ये शूज पहन के रनिंग की थी बंदे ने पहली। तो अभी इंशाल्लाह यही लेंगे हम, बंदा फाइनल कर रहा है। अरुण भाई मेरे लोग के जगह लांग पूरे उंगला थोड़ी कटा ले। चलो जी शूज फाइनल हो गया अभी हमारे, इसके बाद हम बस आवाज लाके भेज दे। पिंकी भाई पहले जॉब करते थे पैरल में, तो ये अब से पूछना जा रहे हैं स्टाफ डिस्काउंट है कि नहीं, तो देखते हैं स्टाफ डिस्काउंट मिलता है। स्टाफ डिस्काउंट मिला है जॉब करते महंगा पर कैमरे में कह रहे चलो एट लास्ट जो ये शूज मिल गया हमें अभी, तो पिंकी भाई शूज लेके वापस आ रहे हैं स्केचर्स, अपने दोस्तों के लिए भेजे। पिंकी भाई आप हम हर एक महीने बाद ड्रॉ किया करेंगे, हर एक महीने बाद ड्रॉ किया करेंगे चैनल पे, जिसमें जो जीतेगा पिंकी भाई उसको ऐसे शूज लेके भेजा करेंगे। 699 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 47 के पाकिस्तानी शूज जो हैं वो भाई ने अभी खरीदे हैं, भाई ने अभी खरीदे। तो अभी ये इसी खुशी में कॉफी पिलाने जा रहे हैं, अभी हम कॉफी पियेंगे पिंकी भाई। ये इनका बजट था 1000 दिरहम का, तो अभी हमने पैसे बचा दिए इनके पास, तो 699 में ले ली, 300 दिरहम बच गया, तो दैट्स इनफ। उससे हम ये खाना नहीं खिला सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ कॉफी कह रहे हैं, तो अभी देखो चलते हैं। कामिन भाई की कॉफ़ी की फरमाइश को मना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे पास अभी बचे थे सिर्फ 2 घंटे, और इन 2 घंटों के अंदर हमें दोस्त के घर तक पहुंचना था और उसको सामान देना था। सफ़र लंबा था, ट्रैफिक भी थी, तो डिसाइड ये हुआ कि हम पहले जूता दोस्त को हैंडओवर करेंगे और उसके बाद
बैठकर चाय पियेंगे। थैंक गॉड सामान ऑन टाइम डिलीवर हो गया, चाय भी पी ली, लेकिन हम ये वाली वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी कि हमारे कैमरे की बैटरी लो हो गई थी। यहाँ पर हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। होपफुली आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा और अगले व्लॉग के अंदर एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, कोई शीशा करते हैं। मामा भाई अभी जा रहे हैं अबू धाबी के लिए। ध्यान से जाना, सामान ध्यान से जाना। यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं।